तो भारत के सपूतों ने हमेशा विदेशी जमीन पे ही परचम लहराया है अपना। इसके उदाहरण हनुमान जी हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम जी हैं, किस तरीके से विदेशी जमीन पे जाके उन्होंने अपना परचम लहराया था। जैसे विवेकानंद जी जब गए थे शिकागो में तहलका मचा था, ठीक उसी तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रभाव का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। और हमारे साथ एके मिश्रा विदेशी जानकार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी स्वागत है आप सभी का आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मिश्रा जी जिस प्रकार से देखा जाए आज पूरी दुनिया मोदी जी को देख रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस समय यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट हैं, वहां पर अमेरिका दौरे पर हैं, क्या मायने लगाए जाएं? आज योग दिवस है, 9वां योग दिवस है, यूनाइटेड नेशन के बाहर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की एक एनर्जी देखी जा रही है, साथ देखा जा रहा है जिससे पूरे देश में पूरे विश्व में एक मैसेज जा रहा है, क्या मायने इसके? देखिए ये दो ध्रुवों का मेल है और बड़ी असंभव सी होने वाली चीज है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल चेंजेस इस वक्त हो रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, जो बदलाव पूरी दुनिया में होना है, भविष्य पलटने वाला है। इसमें भारत की हिस्सेदारी क्या होगी, एक ग्रेटर गोल को देखते हुए भारत का जो इनिशिएटिव है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है, ये सराहनीय है। ये स्वर्णिम भविष्य का पहला कदम है भारत को विश्वगुरु बनाने में, भारत की प्रभुता को पूरी दुनिया में जो है स्थापित करने के लिए। तो इसको केवल एक डिप्लोमेटिक या राजनीतिक विजिट न देखा जाए, इस विजिट में जो कुछ होगा पग पग पे वो ऐतिहासिक होगा और भारत के भविष्य को तय करेगा कि भारत आगे जो है दुनिया में किस तरीके से उभरेगा। मैं इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक मानता हूँ, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल स्पेशली ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से और भारत के 150 करोड़ की जनता के कल्याण के हिसाब से भी मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूँ कि भारत एक ग्लोबल हब बनने वाला है। ये वही अमेरिका है जो कभी हमको तवज्जो नहीं देता था और हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के बारे में बहुत बुरे शब्द इसने ये प्रयोग किए थे, और आज ये अमेरिका भारत के एक प्रधानमंत्री को पूरा अमेरिका बाहें फैला करके उनके स्वागत के लिए आतुर है। तो इस संकेत से समझ जाना चाहिए कि बदलाव किस दिशा में हो रहा है और किस लिए हो रहा है। बिल्कुल मिश्रा जी, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं और ये माना जाए कहीं ना कहीं मोदी जी का कद अब पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया आज इस ऐतिहासिक तस्वीरों को देख रहा होगा जहां दो बड़े देशों का मिलन हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन का, क्या ये माना जाए मिश्रा जी इसके बाद मोदी का कद, नरेंद्र मोदी का कद विश्व में और बढ़ेगा? जी डेफिनेटली। देखिए अगर दुनिया में अभी तक जो घोषित सबसे संप्रभु राष्ट्र रहा है, सबसे ताकतवर राष्ट्र रहा है, और यूएसए के प्रेसिडेंट को देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सनालिटी या व्यक्तित्व तो माना जाता है, अगर वो इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री का वेलकम कर रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत शुभ संकेत है। और प्रधानमंत्री मोदी का कद दुनिया भर के जो भी कंट्री के जो भी हेड हैं, जो भी नेता है, दुनिया भर के जाने माने नेता, उनके कंपेरिजन में तो डेफिनेटली मोदी जी का कद बहुत ज्यादा, भारत के प्रधानमंत्री का कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं अपने पड़ोसी और बहुत सारे जो विकसित देश भी थे वहां के प्रधानमंत्री भी इतने चर्चा में नहीं रहते हैं और पूरी दुनिया को वो प्रभावित कर सके इतनी क्षमता भी उन देशों के प्रधानमंत्रियों में नहीं रही है। वो केवल अपने हितों तक सीमित रहे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की विशेषता ये है कि अपने देश के हित के साथ साथ ग्लोबल हित कैसे हो, पूरे दुनिया का हित कैसे हो, इस चीज पे ज्यादा फोकस रहता है। जब भी भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव, भारत के प्रधानमंत्री किसी विश्व मंच पर बोलते हैं, जाते हैं, तो बात वहां वसुधैव कुटुंबकम की होती है। शायद ये फैक्टर इतना प्रभावशाली है कि जैसे विवेकानंद जी जब गए थे शिकागो में तहलका मचा था, ठीक उसी तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रभाव का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका दौरा पर हैं, आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के बाहर हैं और पूरी दुनिया उनको आज देख रही है। और मिश्रा जी जिस प्रकार से आपका कहना है कि कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ेगा दुनिया में,
विदेशी जमीन पर जाकर यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के बाहर जाकर जहां पर देखा जा रहा है कि 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडन अभी थोड़ी देर में योग करेंगे, इसके क्या मायने लगाए जाए विदेशी जमीन पर योग करने के? मिश्रा जी, देखिए, विदेशी जमीन पर योग करने का सबसे बड़ा मायने ये है कि अगर पौराणिक और ऐतिहासिक चीजों से देखें तो भारत के सपूतों ने हमेशा विदेशी जमीन पे ही परचम लहराया है अपना। इसके उदाहरण हनुमान जी हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम जी हैं, किस तरीके से विदेशी जमीन पे जाके उन्होंने अपना परचम लहराया था। दूसरा ये कि अगर विदेशी